subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum aziz tulaba talibat. आज हम एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। उम्मीद है कि हमारे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के पहले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हम कोशिश करेंगे कि इसी किस्म के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाएँ और आपको ग्रामर का तकरीबन पूरा हिस्सा इस साल में पढ़ाने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे फेले माविन भी कहते हैं, यानी मदद करने वाला फेल कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ वर्ब यूज टू फॉर्म द टेंसेस, मूड्स, वॉइस एक्सेट्रा व अदर वर्ब्स। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या मूड के लिए इस्तेमाल करते हैं या वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। वॉइस का मतलब होता है चेंज द वॉइस में यूज़ करते हैं, या फिर किसी दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। वी कैन मेक क्वेश्चंस, निगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स आल्सो। हम इससे क्या क्या बना सकते हैं? हम इससे सवालिया जुमले बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और एड क्वेश्चन टैग वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? इसके तीन अलग अलग टाइप है, जैसे बी है, हैव है और डू है। बी में क्या आता है? एम इज़ आर, वॉज वर, शल शुड, कैन कुड, विल वुड, ये बी में आता है। जबकि हैव में हैव और हैज हैड आता है। जबकि डू के साथ में डज और डिड आएगा, ये टेंस के हिसाब से बदलेगा। चलिए इसका यूसेज देखते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस में आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट रीड न्यूज़पेपर या डू इस्तेमाल कर रहे हैं, यू डू नॉट टेक द बुक, दे डू नॉट वांट टू टॉक, ही डज नॉट वर्क प्रॉपरली, शी डज नॉट बाय बुक्स, सलमान डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए ही, शी और नाउन के साथ में हमने यहाँ पर डज इस्तेमाल किया है, बाकी सब के साथ डू इस्तेमाल किया है। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल में हम हर टेंस के साथ में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ेंगे। यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हिसाब से हमने यहाँ इस्तेमाल किया है। आई वॉज वॉन्डरिंग अराउंड द ताजमहल, यहाँ वॉज इस्तेमाल किया है आईएनजी फॉर्म के साथ में। वी वर ड्राइविंग अ व्हीकल, यहाँ वर इस्तेमाल किया है ड्राइविंग अ व्हीकल। You were looking at the moment, they were playing football, he was parking the car, she was giving me a cup of coffee, Sarita was inviting you to her parents' house। ये इस तरीके से was और were का हमने इस्तेमाल किया है। जब टेंसेस पढ़ेंगे तो बाकी के भी फॉर्म हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, आई कैन सॉल्व दिस इशू, यू मे कम हियर एनी टाइम, I shall go to Pune tomorrow. I will start my homework. We must obey the law. I have selected the team. He has finished his job. She was sweeping the floor. He did not receive any number. तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर तमाम हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हाईलाइट करके दिए गए हैं, जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज है। इसी टाइप के और एक वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो आने तक के खुदा हाफिज़, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट होम।